देख रहे हैं ना ये सब गाइस पोस्टर कलर है वो कलर पैलेट्स है देखो इनके ऊपर आपको ये देखो इसके पीछे ब्रश भी दिया गया है इस ब्रश की हेल्प से आपको पानी में डिप करके ये कलर यूज कर सकते हो और अपने कहीं पर भी आप कलरिंग वगैरह कर सकते हो कितना कमाल का लग रहा है ना गाइस ये एवेंजर्स वाला बहुत ही जबरदस्त है और देखो एवेंजर्स का लोगो भी है यहां पर और देखो इसके अंदर कितने कलर हैं हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 कलर इसके अंदर में देखने के लिए मिल जाते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ना गाइस देखने में और इसके बाद गई हमारे पास देखो क्या है हमारे पास है एक बहुत ही जबरदस्त एक डायनासोर वाला पेन और देखो ये डायनासोर जो है बेबी एग के अंदर से निकल रहा है ये जो ब्लू कलर का एरिया ये एग है एग में से बेबी निकल रहा है डायनासोर का और देखो कितने सारा इसके अंदर इंक है देखने के लिए और यहाँ लिखा है डायनासोर और यहां पर भी डायनासोर प्रिंटेड है देखो और यहाँ लिखा एक कलर आ, बॉल पेन और सिक्स कलर बॉल पेन तो इसके अंदर सिक्स कलर, है, देखो, आप कोई भी कलर यूज कर है इस तरीके से आपको टिप को नीचे करके आप निकाल सकते हो जो भी कलर आपको यूज करना है जो जो भी कलर आपको यूज करना है तो ये देखो कितना अमेजिंग है ना गाइज ये सिक्स कलर पेन वाला और यहाँ पर गाइज हमारे पास एक पिंक कलर का हेयर ड्रायर आपको नजर आ रहा होगा और मैं आपको बता दू ये एक पेंसिल शार्पनर है जी हाँ ये हेयर ड्रायर की नजर है पेंसिल शार्पनर है आप यहां से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और ऐसे ओपन करके डस्ट तो निकाल सकते हो इसके अंदर बहुत सारा डस्ट आपका इजीली कलेक्ट हो जाएगा और यहां से कितना डस्ट कलेक्ट हो गया वो आप देख भी सकते हो इसके अंदर नजर भी आता है कितना कमाल का है ना गाइस ये पर गाइस हमारे पास एक बहुत ही मस्त एक यूनिकॉर्न वाला पेन है और देखो इसकी टिप कैसे बाहर आती है आपको यूनिकॉर्न का हेड पकड़ना है और इसको ऐसे घुमाना है तो यहां से टिप बाहर आ जाती है और वापस को इसको अंदर करोगे तो अंदर चले जाते हैं और आप ना इस पेन से ना अपने फोन की, फोन फोन की की स्क्रीन भी चला चला सकते हो वो कैसे मैं आपको ना इससे अपना के दिखाता हूं कि इससे आप फोन कैसे चलाओगे तो गाइज ये देखो हम यहां पर फोन लेकर आ चुके हैं और ये रहा हमारा पेन अब इस पेन की अल्पस हम स्क्रीन को चलाएंगे देखो ये देखो पेन इसकी इसकी स्क्रीन जो है पेन से ही चल रही है देखो कितना सही चला रहा है ना गाइज पेन को देखो कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह लाने हैं इस तरीके से इस तरीके से कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हो कुछ भी चला सकते हो देखो एकदम मस्त चलता है क्योंकि इसके आगे ना यहाँ पर एक रबर टिप दी गई जा, दी जाती है जिसकी हेल्प से आप पेन फोन भी चला सकते हैं कितना अमेजिंग है ना ये पेन आपको कैसा लगा ये अमेजिंग पेन कमेंट में जरूर बताना गाइज मुझे और देखते हैं अगली चीजें क्या है हमारे पास हमारे यहाँ पास एक डोरेमोन शेप का शार्पनर ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना गाइजी डोरेमोन ये शार्पनर है आप यहां से पेंसिल डाल के शार्प करो और यहां से आप डस्ट निकाल सकते हो और इसको अपने स्टडी टेबल पर ऐसे बिठा करके

तो आप इस वाले होल से शार्प करोगे तो लॉन्ग ब्लेड से शार्प होगी और इस वाले होल से शार्प करोगे पेंसिल को तो इस शॉर्ट वाले ब्लेड से शार्प होगी पेंसिल कितने कमाल के आना ये बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पर हमारे पास एक पॉपिट वाला कीचन है देखो ये बर्ड शेप में एक पॉपिट है और ये देखो इसको आप ना कहीं पर भी लटका सकते हो घर की चाबियों में बाइक स्कूटी की चाबी में कहीं पर भी और देखो इस तरीके से आप बोर हो रहे हो तो पॉपिट करके भी टाइम पास कर सकते हो काफी अमेजिंग है ये पॉपिट और मैं आपको दिखा दू और भी चीजें हमारे पास हमारे पास ये देखो एक बहुत ही जबरदस्त स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर स्पेस का ये स्पेस ट्रेवल यहां ये स्पेस लिखा हुआ है है और और पासवर्ड वाला देखो यहां पर एक एस्ट्रोनॉट बना हुआ है देखो कितना कमाल का लग रहा है ना इसको अनबॉक्स करते हैं इसको फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं तो इसको हम कट कर लेते हैं कटर से और निकालते हैं इसकी पॉलिथिन से इसको बाहर तो ये पॉलिथिन के अंदर रखा हुआ मिलता है हमें तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे बाहर गाइस ये देखो हमने इसको ऑलमोस्ट कट कर लिया है यहाँ से तो और अब ये बाहर आने के लिए रेडी है तो ये हमने इसको फाड़ लिया गाइस और अब ये हमारा जो है स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर बाहर आ चुका है अब हमें इसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि ये पासवर्ड की हेल्प से ही खुलता है और इसका पासवर्ड यहां पर एक स्लिप दी जाती है इधर इसके पीछे इसका पासवर्ड होता है तो पहले इसका पासवर्ड पता कर लेते हैं हम लोग पासवर्ड क्या है तो ये हमने हटाया स्टिकर तो ये देखो इसका पासवर्ड है वन टू फाइव तो इसको वापस चिपका देते हैं अब इसको हम पासवर्ड डालेंगे यहां पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव लिखा हुआ है तो हम वन को करेंगे टू को करेंगे और फाइव को करेंगे फाइव को ऊपर कर दिया अब ये बटन दबाएंगे देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है तो ये देखो ये गाइस फिलहाल ये नहीं खुल रहा है तो मुझे लग रहा है हमें जो है वन टू फाइव नीचे की तरफ करना पड़ेगा तो हम नीचे की तरफ करेंगे वन टू और फाइव अब देखते हैं खुलता है कि नहीं तो ये देखो अब ये खुल गया तो हमें नीचे की तरफ करना था वन टू फाइव हमने गलत किया ऊपर की तरफ तो ये देखो ये हमने खोला अब ये इस तरीके से ओपन होता है और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है देखो देखा आपने कितने मस्त तरीके से स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर ओपन हो गया यहां पर हमें मिरर देखने के लिए मिलता है पहले सबसे पहले यहाँ पर शीशा है उसके बाद गई यहां पर एक स्पेस है यहां पर एक स्पेस है और यहाँ पर एक बहुत गहरा स्पेस है तो इन तीन जगहों पर आप बहुत सारी स्टेशनरी रख रख सकते हो इसके अंदर इरेजर शार्पनर पेन पेंसिल वगैरह और बहुत सारे कलर पेन्स वगैरह स्केल वगैरह कंपस वगैरह इसके अंदर आप आराम से रख सकते हो और इसको वापस से बंद करने के लिए ऐसे इसको खोलना है और ऐसे बंद करना है और ऐसे आप बंद कर सकते हो और यहां पर देखो यहां पर अपना नेम क्लास फोन नंबर और एड्रेस भी लिख सकते हो आप लोग तो इस तरीके से बंद होता है और वापस से आप इसके अंदर पासवर्ड लगा सकते हो ये देखो ऊपर कर दिया अभी अब इसको कोई भी नहीं खोल पाएगा जब तक तो उसको पासवर्ड इसका नहीं पता होगा तो कैसा लगा आपको स्पेस का स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर कमेंट में जरूर बताना मुझे और यहां पर गाइज हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पेंसिल पाउच है ये देखो यहाँ लिखा है स्वीट यहां पर देखो एक बहुत ही प्यारा कुछ लगा हुआ है और देखो पीछे से कैसा है सामने देखो यहां पर एकदम बहुत ही मस्त डिजाइन यहां पर दिया गया है यहां पर एक हार्ड शेप की जिप है इसको ओपन करके इसके अंदर आप अपनी बहुत सारी स्टेशनरी रख सकते हो स्पेशली ये गर्ल्स को बहुत पसंद आएगा और स्टेशनरी के अलावा इसके अंदर गर्ल्स अपना मेकअप का सामान यहाँ पर अपना फोन वगैरह भी रख सकती है कितना क्यूट लगता है ना गाइज ये देखने में यहाँ पर गाइज हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सेंटा क्लॉज का एक सेट है देखो क्या है ये यहां पर सेंटर बना हुआ है और क्लॉज के हाथ में क्रिसमस ट्री और यहां से इसको ओपन करोगे तो आप यहां देखोग मिरर है यहां पर भी मिरर है यहां पर भी मिरर है आप इस मिरर को ऐसे रख कर सकते हो ऐसे रख के भी यूज कर सकते हो और ऐसे सामने से भी अपना चेहरा इसमें देख सकते हो कितना कमाल का है ना ये सेंटा कालोज का मिरर बहुत ही प्यारा है यहां पर हमारे पास एक और बड़े साइज का मिरर है और ये है गई फ्रोजन प्रिंसेस वाला मिरर देखो यहाँ पर फ्रोजन प्रिंसेस बनी हो, यहां पर स्नोमैन बना हुआ है और मिरर ये कैसे यूज करते हैं इस तरीके से ओपन करके यहां पर आप मिरर यूज कर सकते हो देखो कितना कमाल का लग रहा है यहां पर बहुत बड़ा शीशा दिया गया है और इसको ऐसे बंद कर सकते हो और ये फ्रोजन प्रिंसेस वाला मिरर है बहुत क्यूट लगता है देखने में और ये भी गर्ल्स कहीं पर भी लेकर जा सकती हैं इजिली और

कॉम्ब कर सकते हो देखो कितने और ऐसे बंद हो जाता है कितना कमाल का एनागाइज यहाँ पर यूनिकॉर्न बना हुआ है और पीछे यहाँ पर मिरर भी मिलता है और और कॉम्ब भी मिलता है कितने कमाल के एनागाइज कितना क्यूट है ना तो और यहाँ पर गाइज हमारे पास एक शू शेप का एक कीचन है देखो ये नाइकी जॉर्डन शूज है देखो कितने कमाल के लग रहे हैं ना, देखो कितने कमाल के एकदम रियल शूज की तरह किचन नजर आता है और इसको भी आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो जहां जहाँ पर आपको ठीक लगे यहां पर इस हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स है जिसका नाम है स्काई ट्रैवल और यहां पर एक एस्ट्रोनॉट बना हुआ है ट्रैवल विद स्टार लिखा हुआ है और ये भी एक पासवर्ड वाला पेंसिल बॉक्स है और इसका पासवर्ड भी है वन टू फाइव तो इसका पासवर्ड भी हमें ऊपर की तरफ डालना पड़ेगा तो इसका पासवर्ड भी वन टू फाइव यहाँ दिया गया है तो इसका पासवर्ड है वन तो पहले वन को ऊपर करते हैं और फिर टू को करते हैं अब हम फाइव को ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर ऊपर हो गया अब इसको हम स्लाइड करेंगे तो देखते ओपन करके और ये पेंसिल बॉक्स ओपन हो गई देखो यहाँ पर भी आप स्टेशनरी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो तो इसके अंदर आपको दो दो स्पेस स्टेशनरी रखने के लिए मिल जाते हैं और स्टेशनरी रखने के बाद आप इसको लॉक लॉक कर सकते हो और बिना आपकी मर्जी के आप कोई पासवर्ड के बिना इसको नहीं खोल सकता आप ये स्टीकर हटा देना जब आपको पासवर्ड याद हो जाए कितना कमाल के आने का स्काई ट्रेवल वाला पेंसिल बॉक्स बहुत जबरदस्त है यहाँ पर हमारे पास एक टूथब्रश और ये कोई छोटा छोटा मोटा टूथब्रश नहीं है ये बहुत कमाल का टूथब्रश है निकाल के दिखाता हूँ तो ये देखो ये है इस मरमेड वाला टूथब्रश ये देखो जलपरी वाला टूथब्रश देखो यहां पर एक एकदम डॉल फेस की एक मरमेड दी गई है जलपरी देखो जलपरी आपने देखी है कभी मूवी देखी है जलपरी की नहीं देखी तो जरूर देखना बहुत अच्छी लगती है और यहां पर देखो ब्रश है इससे आप अपने टूथ ब्रश कर सकते हो ये पिंक कलर का है तो गर्ल्स को ज्यादा ही पसंद आएगा मरमेड वाला टूथब्रश आपको आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना बहुत ही प्यारा आएगा इस ये देखने में और यहाँ पर गाइस हमारे पास थौर का हैमर है और देखो थौर का किचन वाला हैमर है देखो एकदम रियल हैमर लगता है देखने है स्था स्था में अरे पूरा मेटल का है गाइस देखो मेटल का बना हुआ है ना और इसके ऊपर थौर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर मार्वल लिखा हुआ है देखो और एक किचन है और देखो थौर का और देखो इसको ऐसे पकड़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने थौर का रियल हैमर पकड़ा हुआ है कितना कमाल का लगता है ना थोर सबकी पिटाई करता है गैस इस हैमर से बड़े बड़े विलंस को खत्म कर देता है थोर और यहां पर देखो हमारे पास एक बहुत ही जंबो साइज का बर्गर आपको दिख रहा होगा और मैं आपको बता दू ये एक लैम्प है और एक शार्पनर है देखो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो आप यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करोगे और बाद में ऐसे करके आप डस्ट निकाल सकते हो देखो ये रहा शार्पनर और यहाँ पर सारा डस्ट इसी के अंदर कलेक्ट हो जाता है बाद में आप खाली करके निकाल सकते हो और उसके बाद क्या इसके लैंप की बारी है मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है और देखो ये आपका लैंप रेडी है और यहाँ पर एक बटन यहाँ पर देखो चार्जिंग पॉइंट है टाइप सी केबल से यहाँ से चार्ज हो जाता है और ये बटन है इस बटन को दबाएंगे इसमें लाइट जलती है ये देखो इसकी लाइट जल गई यहाँ पर और अब ये देखो और इसको आप ऐसे मोड़ लो इसको ऐसे मोड़ दो ऐसे मोड़ दो इधर मोड़ लो या इधर मोड़ लो कहीं भी मोड़ सकते हो ये 360 सिक्सटी लैंप है और बहुत ही ज्यादा ये रोशनी करता है मैं रूम में अंधेरा करके इसकी ब्राइटनेस आपको दिखाता हूं कि लैंप कितना ज्यादा ब्राइट है तो रूम में हमने पूरा अंधेरा कर लिया है और ये हमारा बर्गर हम हम बटन दबाते हैं इसकी लाइट का तो देखो क्या होता है लाइट का बटन दबाते ही देखो एकदम से ही कितना ज्यादा ब्राइट सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा देखो कितना ज्यादा ब्राइट ये लैंप है अब मैं इसको ढकता हूं थोड़ा सा देखो पूरा अंधेरा हो गया गाइस देखो अंधेरा हो गया अब मैं इसको खोलता हूं और देखना एकदम से कितनी रोशनी हो जाती है तो आप सोच ही सकते हो कितना ज्यादा ब्राइट लैंप है और ये ऑन का बटन है ऑफ का बटन है इसी से ऑफ हो जाता है इसी से ऑन हो जाता है देखो इस तरीके से ये लैंप काम करता है आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ गाइस मुझे तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ गाइस मुझे जल्दी से और ये ईजिली जो है बंद भी हो जाता है देखो इस तरीके से इसको लगा के आप बंद कर सकते हो ये बंद हो गया कितना क्यूट लग रहा है ना और आपके हाथ में कोई भी देखकर बोलेगा कि आपने कोई रियल बर्गर लिया हुआ है जब आप इसने स्कूल में लेकर जाओगे या पर कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे तो एकदम मस्त है ना और यहां पर गाइज हमारे पास एक स्टेशनरी किट है और ये है गाइज जॉय ऑफ क्रिएशन कंपनी की स्टेशनरी किट और यहां लिखा है प्रेप स्कूल किट यहाँ पर लिखा हुआ है और तो ये ट्वेल्व रुपीज की किट है सिर्फ बारह रुपए में हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है मैं निकाल के दिखाता हूं तो बारह रुपए में यार बहुत सस्ती किट है तो देखते हैं सारी चीजें हमने बाहर निकाल ली पूरी खाली हो चुकी है तो इसके अंदर हमें मिली एक पेंसिल देखो काफी बढ़िया पेंसिल मिली है काफी अच्छी डिजाइनर पेंसिल है देखो कितनी मस्त लग रही है ना यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर का स्केल मिला है इसके अंदर काफी सही है क्वालिटी और यहाँ पर एक शार्पनर मिला है इसके अंदर हमें और यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का जॉय ऑफ क्रिएशन का इरेजर मिला है तो बारह रुपए में हमें चार चीजें इस स्टेशनरी किट में मिली है कितनी कमाल की किट है कैसी लगी आप कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे यार और यहाँ पर का हमारे पास एक डोरे मोन का की चैन है देखो यहाँ पर डोरे मोन का फेस है बड़ा ही प्यारा और यहाँ पर देखो घुघरू भी लगा हुआ है एक और यहां पर देखोगे तो यहां पर डोरेमोन लिखा हुआ है और इधर एक हुक है और इस हुक की हेल्प से आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हो कहीं पर भी लटका सकते हो अपने बैग की जिप में भी इसको लगा सकते हो कितना कमाल का लगेगा ना ये डोरेमोन का किचन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताओ यहां पर गाइज हमारे पास दो इरेजर है सबसे पहले हमारे पास है एक यूनिकॉर्न की इरेजर देखो कितना क्यूट लग रहा है ये यूनिकॉर्न है ना और उसके बाद गाइज हमारे पास है एक स्पेस शिप वाली इरेजर और इसको यू भी बोलते हैं आपने यू वाली मूवीज देखी एलियंस वाली वो इसी तरह के जहाज

और यहाँ पर भी एक एवेंजर्स का टैग दिया गया है और यहां पर भी एक हुक है जिसकी हेल्प से मैंने आपको बताया आप इसको कहाँ कहाँ पर अटका सकते हैं और जहां पर भी आप इसको अटकाओगे ना ये देखने में बड़ा ही कमाल लगेगा जब ये लटका हुआ होगा कितना सही है कितना सही है ना गाइस दोस्तों ये और इसके बाद गाइस हमारे पास एक बहुत ही प्यारा किड्स वॉलेट और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं निकाल के दिखाता हूँ ये वॉलेट कैसे कैसे काम करता है इसके अंदर पैसे भी डाल के रख सकते हो आप लोग ये वॉलेट बॉयज के लिए है स्पेशली क्योंकि इसका कलर ब्लू है और यहां पर लिखा है गिव मी स्पेस एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ है और यहां पर देखो एक रॉकेट के ऊपर एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है और ये वॉलेट ऐसे खुलता है इस तरीके से और यहाँ पर एक जिप है जिप ओपन करके इसके अंदर अपने पैसे वगैरह कॉइन्स वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हो और वापस से रख के ऐसे बंद कर सकते हो और बंद जब सामान रख दो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो चिपकू है ये ऐसे चिपक जाता है और इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हो कितना कमाल का और कितना प्यारा वॉलेट है ना गाइज आपको जरूर ये पसंद आया हुआ इसके अंदर आप पॉकेट मनी रख करके भी स्कूल लेकर जा सकते हो यहां पर गाइज हमारे पास एक इरेजर सेट है ये है इमोजी वाला इरेजर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पर देखो हमें जब हम व्हाट्सअप पे फेसबुक पे चैट करते हैं तो इमोजी भेजते हैं ना हम एक दूसरे को वैसे ही इमोजी है तो देखो ये भी एक इमोजी वाला इरेजर है और ये भी है स्माइली वाला और ये देखो चश्मा लगाया हुआ है और एक ये रोने वाला भी इमोजी है हमारे पास कितने क्यूट इमोजीज है ना बहुत ही ज़बरदस्त है भाई यहाँ पर गाई हमारे पास डोम्स का एक बहुत ही बड़ा टेम्परा कलर्स का सेट है इसके अंदर हमें बारह शेड देखने के लिए मिलते हैं और दो न्यू शेड भी है इसके अंदर सिल्वर और गोल्डन ये हमने मिला है हमें मिला है ट्वेंटी रुपीज़ का तो ट्वेंटी रुपीज़ में हमने इसे खरीदा है तो खोल के देखते हैं किस तरीके का हमारा टेम्परा कलर का सेट है ये तो इसको निकालते हैं बाहर हमने निकाल लिया है इसके साथ हमें मिला एक ब्रश ब्रश करने के लिए और यहाँ पर ये रहे हमारे टेम्प्रा कलर्स देखो टोटल बारह छह इधर है और छह इधर है इसके अंदर एक सिल्वर और गोल्डन नया आया है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये देखो गोल्डन हमने ओपन कर लिया देखो ये है गोल्डन शेड इसकी कितने सही लग रहा है ना गाइस देखने में अब मैं सिल्वर वाला ओपन करता हूँ गोल्डन और सिल्वर मेरा फेवरेट कलर है और देखो ये रही हमारी सिल्वर शेड आपको कैसे लगे टेम्परा कलर्स कमेंट में बताओ गाइज बहुत ही कमाल के ये डोम्स के टेम्परा कलर्स और यहाँ पर गाइज हमारे पास एक लेजर पॉइंटर है जिसका नाम है थ्री इन वन लेजर पॉइंटर एंड एलईडी लाइट यहाँ लिखा हुआ है तो इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको तो ये लेजर पॉइंटर आपको पसंद आएगी जरूर देखो ये सिल्वर कलर की लेजर पॉइंटर है इसके साथ एक हुक दिया गया है और यहाँ पर थ्री बैटरीज भी दी गई हैं देखो एक दो तीन तीन बैटरीज दी गई हैं और मैं इनको इसके अंदर लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको ये लेजर पॉइंटर चला के दिखाता हूँ लेजर पॉइंटर हमने यहां पर इसके अंदर बैटरीज वगैरह लगा दिया और ये रेडियो चलाने के लिए तो ये बटन है नीचे वाला पहले दबाते हैं तो पहले दबाएंगे तो रेड कलर की लाइट जलती है इसके अंदर दोबारा दबाएंगे तो ब्लू कलर की जलती है और फिर से दबाएंगे तो रेड और ब्लू साथ में इसके अंदर ब्लिंक होने लगती है फिर से दबाएंगे तो ये बटन लाइट बंद हो जाती है अब ये बटन है लेजर पॉइंटर का इसको दबाएंगे ना तो इसके अंदर से लेजर पॉइंटर निकलते हैं वो देखो वो दिख रही है आपको और रात के समय गाइज ये दो दो किलोमीटर दूर तक चली जाती है और रात को इसको यूज करने में बहुत मजा आता है बहुत जबरदस्त है ये लेजर पॉइंटर ये लेजर लाइट बोलते हैं इसको लेजर पॉइंटर भी बोलते हैं कितने मस्त है ना दोस्तों और अब मैं दिखाता हूँ हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हाइलाइटर है ये प्रिंसेस वाला हाइलाइटर है ये बहुत कमाल का लगेगा देखो गर्ल्स को ये स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर प्रिंसेस का फेस दिया गया और ये तीन इसके अंदर हाईलाइटर है मैं यूज़ करके दिखाता हूँ जैसे पर्पल हाईलाइटर है ये येलो हाईलाइटर है और यहाँ पर ये दिया गया है कितना लाइट चल रहा है, ये बहुत ही चलते है। देखो येलो वाला मैंने चला लिया और हम चलाते हैं अपना ये पिंक वाला तो ये देखो ये भी यहाँ पर बहुत लाइट ही चलेगा तो हाईलाइटर का, का काम ही है और इसी तरीके से चलते हैं कितने क्यूट है ना इसे ये लाइटर और इसके बाद गई हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त येलो कलर का एक बाइक शेप का पेंसिल बॉक्स है और देखो एकदम रियल बाइक की तरह नजर आता है और इसमें व्हील दिए भी गए हैं देखो चार व्हील है जो आप बोर हो रहे हो तो आप ऐसे चला करके भी खेल सकते हो इसको बहुत मस्त चलता है ये और देखो पूरी बाइक की शेप है इसकी और यहाँ लिखा है हाया बूजा और रेसिंग स्टार्स यहाँ लिखा हुआ है विनर लिखा हुआ है तो इसको ओपन करते हैं यहाँ से ओपन करोगे ओपन तो करते दिया आपको एक ट्रे मिलेगी ट्रे में पेंसिल लॉक हो सकते हैं और ट्रे को ऐसे निकालोगे तो ट्रे के नीचे भी आप स्टेशनरी अपनी आराम से रख सकते हो कितना कमाल कहना है। ये येलो कलर का व्हाइट शेप का पेंसिल बॉक्स और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक थॉर देखो ये है थॉर हमारे पास और थॉर के हाथ में एक हैमर भी हमें मिलता है उसके हाथ में हम हैमर को पकड़ा देते हैं तो ये देखो बहुत ही मस्त लगेगा जब हैमर पकड़ लेगा थॉर तो मैं आपको दिखाता हूँ थॉर कैसे हैमर को पकड़ता है तो ये देखो थॉर के हाथ में हमने हैमर को दे दिया है ऑलमोस्ट तो ये देखो अब थौर ने अपने हैमर को पकड़ लिया है और देखो कितना खतरनाक लग रहा है ना गाइस थौर ये देखो एकदम रियल एक्शन फिगर थौर का हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कितना कमाल का लग रहा है ना मुझे तो ये थौर का एक्शन फिगर बहुत पसंद है और यहां पर मैं और भी चीजें मैं अब दिखाता हूं आपको और यहां पर गाइस हमारे पास एक पीकाचू का शार्पनर है देखो पीकाचू लग रहा है ना देखने में एकदम मस्त और यहां से आप पेंसिल डाल के शार्प करोगे और यहां से ओपन करके आप डस्ट निकाल सकते हो बड़ा प्यारा शार्पनर है यहां पर गाइज हमारे पास कैमल कंपनी के सॉरी गिर गया सामान हमारा तो उठा लेते हैं तो यहां पर हमारे पास है कैमल कंपनी के प्लास्टिक क्रेउन्स और देखो इसके अंदर थर्टीन शेड्स होते हैं और इसके बाद हमें क्या फ्री मिलता है इरेजर और और गोल्ड शेड फ्री मिलता है इसके अंदर और ये बोतल हमने कितने की लिए है गाइज मैं आपको दिखाता हूँ ये सिक्सटी रुपीज की लिए है मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको तो ये हमने ओपन किया है यहाँ पर और यहाँ पर हमारी इरेजर है और यहाँ पर हमें इसके अंदर प्लास्टिक क्रेउन्स देखने के लिए मिलते हैं ये रहे हमारे सारे के सारे प्लास्टिक क्रेउन्स कितने मस्त लग रहे हैं ना ये और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर कुछ इरेजर्स हैं देखो और यहाँ पर जो इरेजर यहा है जीरो की मल्टीप्लाई की इज इक्वल और यहाँ पर डिवाइड की भी इरेजर है हमारे पास और बहुत ही मस्त इरेजर है बहुत क्यूट लगती है देखने में मजा आएगा इसको यूज करने में यहाँ पर गई हमारे पास एक आउल वाला शार्पनर है यहाँ से आप दो दो पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और ऐसे करके डस्ट निकाल करके फेंक सकते हो कितना कमाल का लग रहा है ना ये यहां पर हमारे पास एक 24 फोर पीसिस का एक आर्ट सेट है यहाँ लिखा है ट्वेंटी फोर ओपन करोगे तो देखो यहाँ पर टोटल ट्वेंटी फोर पेन है यहां पर कुछ कलर पैलेट्स है यहां पर एक का सेट है और यहाँ पर एक इरेजर है शार्पनर है और एक कलर पेंसिल है तो देखो ये तो, टो, टोटल जितने भी आइटम्स है ना सारे के सारे ट्वेंटी फोर है और यहाँ पर लिखा है ट्वेंटी फोर पीसेस और इसके बाद हमारे पास है ग्लो इन द डार्क मार्कर और ये कैसे ग्लो करता है रात को मैं दिखाता हूं आपको तो यहां पर से हम कुछ मार्कर निकाल लेते हैं देखो इस तरीके के मार्कर हम रेड वाला निकाल लेते हैं और एक येलो निकाल लेते हैं अब मैं इनको यूज करके दिखाऊंगा और रात को मैं इनको ग्लो करा के भी दिखाता हूं आपको तो यहां पर हम एक नोटबुक लिया है अब इस मार्कर को यूज करेंगे इसके उसके ऊपर तो यहां पर हम लिखते हैं गाइस फन और यहां पर लिखते हैं और इधर देखो गाइस दूसरे मार्कर से हम भी लिख, और लिख भी लिख लेते हैं यहां पर और यहां लिख लेते हैं बॉक्स बॉक्स और यहाँ पर देखो इस तरीके का बॉक्स भी यहाँ पर बना देते हैं तो मुझे लग रहा है हमारा येलो वाली इंक जो है सूख चुकी है तो अब हम इसको बंद कर देते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा हम अपने फ़ोन की टॉर्च से इसको थोड़ा सा लाइटअन करेंगे तो ये देखो हमने यहाँ पर फोन की टॉर्च ली अब हम इसको लाइटअन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से हमें इसके ऊपर लाइट मारनी पड़ेगी फोन की टॉर्च से ताकि इसकी जो जो पावर है वो चार्ज हो जाए और ये रात को ग्लो करने के लिए रेडी हो जाए अब मैं रूम में अंधेरा कर देता हूँ और आप देखोगे जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर बॉक्स और ये ना एकदम क्या कहते हैं ग्लो करना पड़ेगा लगेगा अंधेरे में अंधेरा करके दिखाता हूं मैं आपको तो गाइज अंधेरा हो चुका है और आप देखो ये रात को ग्लो करने लगा है जो बॉक्स हमने लिखा था आप देखो ये ग्लो कर रहा है अब रात को तो कितना कमाल का लग रहा है ना गाइज इस तरीके से ही ये काम करता है ये हमने यहां पर रख दिया अब हम लाइट ऑन कर लेते हैं तो देखो गाइज जो हमने बॉक्स लिखा था वो कैसे ग्लो कर रहा था तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैंने आपको आज सारी चीज़ें देख करके दिखाई एकदम डिटेल में और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको क्या क्या अच्छा लगा आज और आ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों बाय बाय